My dear friends, myself Nitash Mangal, and today we will do a very important topic, that is the fundamental rights. Before this, I have already uploaded the two videos, that is one on the salient features of the Indian Constitution and other is on the preamble of the Constitution. Both are very important topics. Please once go through that video. I will give the link of that videos in the description box. Ek baar aap us videos ko dekh lena. So let's proceed with the new topic today. Most important topic, keh sakta hun ki iske bina agar hum polity padhne jaye to polity iske bina adhuri hai. So with the most important topic, that is the fundamental rights. What are the fundamental rights? Fundamental rights kya hote hain, ek baar dekhte hain. So these are the enshrined in the part 3 of the constitution. Basically part 3rd of the constitution mein in fundamental rights ko likha gaya hai. From article kaun kaun se hai? 12 se lekar 35 tak. फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक. बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया. दे आर ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वेरियस सोर्सेज से लिए गए हैं. इसका कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, अलग अलग सोर्सेज है. So these are basically fundamental rights जो है वो these are basically derived from the constitution of the USA. ठीक है. So these are what are the fundamental rights? These are the rights that are granted by the constitution. हमें constitution guarantee देता है fundamental rights की. क्या चीज की guarantee देता है? उसके जो main objective है कि वो उन objectives को fulfill करेगा. कौन कौन से objectives है? That is the equality of the individual. सब इंडिविजुअल्स को इक्वली मानना. अगर कोई इक्वल नहीं मान किसी को इक्वल हम नहीं मानते तो इसका मतलब हम उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं. डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, उसके रिस्पेक्ट इंडिविजुअल की रखना. लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में बात करना. एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, सबको यूनाइटेड रखना, इकट्ठे रखना. दीज आर द ऑब्जेक्टिव. वंस अगेन आई रिपीट, दे अपहोल्ड इक्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, larger public interest and unity of the. So moving on to the next point, that is how many fundamental rights are there in the constitution. So there are total 6 fundamental rights that are right. First is the right to equality. Article 14 se lekar 18 tak right to equality hai. Next is right to freedom, article 19 to article 22. Next is right against exploitation, article 23 to 24. Then right to freedom of religion, article 25 to 28. Then cultural and educational rights, article 29 to 30. अब आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि यहाँ पर लिखे तो 6 rights है लेकिन यहाँ पर total 7 rights दिख रहे हैं. Because the 6th one is right to property, that is article 31. ये by the 44th constitutional amendment act 1978. 44th Constitutional Amendment Act 1978 के तहत इसको डिलीट कर दिया गया था, इसलिए ये अभी फंडामेंटल राइट नहीं है. सो द 6th वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32. सो बेसिकली देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. अगेन आई रिपीट, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज डिलीटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. सो इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट राइट नाउ. सो द 6th वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32. इन सब के बारे में डिटेल में एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे और एक एक राइट को अच्छे से समझेंगे. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? सो फर्स्ट इज सम ऑफ देम आर ओनली अवेलेबल टू इंडियंस. कुछ सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल होते हैं और कुछ फॉरेनर्स को भी होते हैं. कौन कौन से इंडियंस को होते हैं और कौन कौन से फॉरेनर्स को होते हैं, डेट वी विल सी जब हम अकेला अकेला फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि कौन से इंडियंस को ही होते हैं और कौन कौन से फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड? एब्सोल्यूट का मतलब है कि स्टेट इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, और क्वालिफाइड का मतलब है कि स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है.
यानी कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब स्टेट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जब स्टेट को लगेगा तब स्टेट फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं सिक्स पॉइंट करवाऊं अगर, तो दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ये सस्पेंड किए जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, बाकी सारी आर्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड किए जाएंगे ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ओनली, सो दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। थर्ड पॉइंट इज दे आर जस्टिसिएबल। दे आर जस्टिसिएबल मतलब आप अगर आप फंडामेंट, आपका भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। दे आर जस्टिसिएबल यानी कि अलाउइंग अ पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटर। सो फोर्थ पॉइंट इज दे आर डिफेंडेड एंड ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये डायरेक्ट डिफेंडेड यानी कि बचाए जाते हैं और गारंटी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो उसको किसी और कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा फिर हाई कोर्ट में जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। नहीं, अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। नेक्स्ट इज दे आर नॉट परमानेंट। दे आर नॉट परमानेंट यानी कि ये परमानेंट नहीं होते। बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दे कैन बी अमेंडेड, दे कैन बी कर्टेल्ड और रिपील बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी नुकसान या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सिक्स पॉइंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट दैट दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होते। द लास्ट फीचर इज देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एन एरिया, इन एनी एरिया। जब किसी एरिया में मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, जब किसी एरिया में मार्शल लॉ एप्लीकेबल है, अप्लाइड है मतलब मार्शल लॉ है, तब वहां पर कोई भी फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा। तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं है अगर जिस एरिया में फंडामेंटल, जिस एरिया में मार्शल लॉ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद हम एक एक कर आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एक एक फंडामेंटल राइट को डिटेल में समझेंगे, दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू।